अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, इट इज़ आवर लेक्चर नंबर 4 एंड वी शैल स्टार्ट ओवर यूनिट नंबर 3 टुडे। और टुडे आवर टॉपिक इज होमोनिम्स। होमोनिम्स के बारे में वो कहता है दे आर वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट आर डिफरेंट इन मीनिंग। यानी कि जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जब इनको प्रोनाउंस उन्हें बोला जाता है तो ये बिल्कुल सेम आवाज़ देते हैं, यानी कि इनके साउंड आवाज़ एक ही निकलती है लेकिन ये मीनिंग में टोटली डिफरेंट होते हैं। इनका आपस में कोई मीनिंग का लिंक नहीं होता। जैसे वो मेरे पास है, वो कहता है रीड थ्रू द फॉलोइंग लिस्ट विद योर टीचर एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वेरियस वर्ड्स। बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके आपको मीनिंग नहीं आते होंगे और आप लोगों ने, अच्छा आप पहले मेरे से पढ़े, यह है एयर, ये भी है एयर। यहाँ पे एयर का मतलब है हवा और यहाँ पे एयर का मतलब है वारिस होना, यानी कि प्रॉपर्टी भी जो आपको आपको विरासत में मिलती है उसका वारिस होना। अब यहाँ पे है एट और एट, एट है यहाँ पे खाना और एट है यहाँ पे डिजिट आठ। बेयर, बेयर, अब ये बेयर है यहाँ पे विदाउट क्लोज, बेयर है यहाँ पे रीच। अब बहुत सारे बच्चे इसको एट पढ़ते होंगे, एट भी प्रोनाउंसिएशन में ठीक है उसको कहता है और उसको एट प्रोनाउंसिएशन भी होती है, लेकिन अगर आप इसको बियर पढ़ते हैं तो ये टोटली गलत है। ये बियर है तो ये भी बियर ही होता है, बियर नहीं होता, इसका मतलब है रीच। और यहाँ पे है ब्लू, यानी कि ब्लू द विसल, जैसे सीटी बजाना, और ब्लू यहाँ पे है नीला रंग। इसी तरह ये जो सारे वर्ड्स हैं आपने करना ये है कि यहाँ ये 58 हैं टोटल के, पता नहीं जितने भी हैं, आपने ये सारे अच्छी तरह इनके मीनिंग जो जिनके नहीं आते ढूंढ लेने हैं। आपको जब वो आएगी ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा उसमें से इनमें से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर बॉय है तो उसका बॉय होना चाहिए, अगला वर्ड क्या होगा। इस तरह ये आपने सारे खुद घर में करेंगे। अब आ जाएँ पेज नंबर 20। अब ये टोटल 54 आपके वर्ड्स हैं, सारे इसके अच्छी तरह मीनिंग आपने देख लेने हैं, उन्हें एक बार पढ़ लेना है। अब आप आ जाएँ रिटर्न पार्ट की तरफ। वो कहता है अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स, द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वॉक डाउन द आइल आइल। अब ये जो फर्स्ट वर्ड आइल है, दोनों को प्रोनाउंसिएशन आइल होगा इसमें। यहाँ पे आइल का मतलब है जैसे चेयर्स की दो रो साइडों पे लगी हो, दरमियान का जो रास्ता होता है गुजरने के लिए वो आइल है, और ये आइलैंड को बोलते हैं आइल। अब वो कहता है द बर्ड ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम्स वॉक डाउन द आइल, यानी कि अब आप हम फर्स्ट वाला लेंगे, फर्स्ट वाला दुरुस्त है आपका। सेकंड है द बेयर, बेयर स्केप फ्रॉम द जू, ऑफ कोर्स जू से ये वाला बेयर गायब हो गया, बेयर बेयर आपका यहाँ पे दुरुस्त है फर्स्ट वन। नेक्स्ट है यू शुड ज्वाइन द पुलिस कैडेट कोर कोर्स, ये आप यहाँ पे पी साइलेंट है, कोर्स वर्ड ही इसको पढ़ना है, कोर्स। यू शुड ज्वाइन द पुलिस, यहाँ पे कोर होता है कि बहुत इनर पार्ट किसी भी चीज़ का अंदरूनी हिस्सा, यानी कि जैसे सेब है तो उसका जो अंदर वाला बीज वाला हिस्सा है उसको कोर बोलेंगे। इसी तरह डिफरेंट इसमें होती है, और कोर्स होता है कि किसी भी आर्मी पुलिस का कोई यूनिट होता है जो डिफरेंट ड्यूटीज़ दी जाती हैं, तो पुलिस कैडेट में ऑफकोर्स सेकेंड वाला जाएगा, सेकेंड वाला आपका दुरुस्त है। इसी तरह अब आप बाकी के भी मीनिंग देखते हुए सारा फिल कर लेंगे, इसी तरह आप बाकी सारा भी इसको सॉल्व कर लें। और जो ऊपर मैंने आपको पार्ट में मीनिंग्स दिए हैं, जब आप लोग स्कूल्स में आएंगे तो आपने सारे इनके मीनिंग्स दिखे हों क्योंकि ये चेक होंगे। अब आ जाएं बी पार्ट की तरफ। वो कहता है पुट द वर्ड्स इन इन द करेक्ट प्लेसेस। अच्छा जी, आपको उसने ब्रैकेट में दो वर्ड्स दे दिए, जैसे पहले वाले का उसने दिया है न्यू न्यू, अब उसने कहा कि आप देखें कहाँ पर पहले वाला आना है और कहाँ पर दूसरे वाला आना है। वी डैश दैट द डैश टीचर डिड नॉट नो आवर नेम्स, ऑफकोर्स यहाँ पे पहले वाला जानने का सेंस है, वी न्यू हम जानते थे दैट द न्यू टीचर के नई टीचर्स को हमारे नाम नहीं आते। नेक्स्ट है मे चैन डैश सरप्राइज इन डैश ऑफ द इवेंट, यहाँ पे वो कहता है वन है आपके पास और वन है, वन का मतलब होता है जीतना, दूसरे वाले वन का मतलब होता है एक, तो क्या होगा मे चैन वन, यानी कि उसने जीता सरप्राइज इन वन ऑफ द इवेंट। थर्ड पे देखें द वॉशर वुमेन टुक ऑफ हर डैश बिफोर शी स्टार्टेड टू डैश, यहाँ डैश स्टार्टेड टू डैश द क्लोथिस, यहाँ पे रिंग है और रिंग्स है, रिंग अंगूठी है, रिंग्स होता है निचोड़ना,
तो क्या होगा, वाशर मोमेंट टू कोफ हर रिंग्स, कि उसने पहले अपनी उंगली अंगूठी उतारी, बिफोर शी स्टार्टेड टू रिंग, यानी कि निचोड़ने से पहले, उसने उतार ली कपड़ों को निचोड़ने से पहले। इसी तरह बाकी सारे 4, 5, 6 को भी खुद फील कर लें, बाकी आपने मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह आप बाकी सारा फील कर लें। अब आप आ जाएं जल्दी से सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में वो आपसे कहता है रीराइट द फॉलोइंग पैसेज रिप्लेसिंग द एरर दैट आर अंडरलाइंड। अब उसने कुछ यहाँ पे मिस्टेक की है, उसने कहा है कि असल में आपका ये साउंड सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, साउंड ये जो गलतियों के हैं आपने इसी साउंड से रिलेटेड जो दूसरे वर्ड हैं उनके साथ एरर को करेक्ट करना है। अब वो कहता है वॉकिंग बाय, बाय का मतलब होता है किसी को गुड बाय कहना, तो यहाँ पे आएगा वॉकिंग बाय किसी के साथ साथ बाय द सी, सी समुंदर का जिक्र कर रहा है, तो हम यहाँ पे सी के स्पेलिंग यूज कर देंगे। सी वी कुड सी द ब्लू स्काई, स्काई ऑफकोर्स ब्लू कलर का था, बी एल यू ई ब्लू की स्पेलिंग है, एंड ग्रीन वाटर। फार अवे दूर कहीं वास, फार अवे वास आ बोट एंड इट सीम टू बी स्टेशनरी। स्टेशनरी यहाँ पे है जैसे पेंसिल इरेजर वगैरह आपके होते हैं, यहाँ पे हमें स्टेशनिंग है ना जो बिल्कुल साकेत नज़र आ रहा था, तो उसके स्पेलिंग आप दुरुस्त कर लें, एन ए आर वाई होता है, ठीक है। द सन यहाँ पे सन आपका एस यू एन सन होता है, सन ब्लेस डाउन एंड वी वर सून प्रिस्पायरिंग। We sat in the shade of tree, तो नहीं है of course tree है, दरख्त के छाए में बैठ के, and shared a piece of chocolate, ये पीस अमन होता है, हमने यहाँ पर लिखना है पीस P-I-E-C-E of chocolate, in less than a minute we had finished the whole piece, whole के spelling यहाँ पे ये सुराखल है, हमने लिखना है whole सारा पीस, यहाँ पे ये है अमन, हमने लिखना है पी आई ई सी। अपना इस तरह आप सारी करेक्शन कर लें और इसको अच्छी तरह आपने आज के लेसन को पढ़ना है। अब पार्ट डी जो है वो भी सेम है, यूज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू शो इट्स मीनिंग। आपने ये फोर फोर है, नो नो है, इन सारे पांच वर्ड्स हैं, यानी कि 10 आपके टोटली सेंटेंस बनेंगे, इन्हें आप एक जगह सारे यानी कि लाजमी बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस है जो आपको इसे समझने में के होमोनिम्स क्या होते हैं आपकी मदद करेगी। थैंक यू।